आगे बढ़ते हैं, बात कुदरत के कहर की। बारिश सितम ढा रही है। सबसे पहले राजस्थान की तस्वीरें दिखाते हैं आपको, जोधपुर, जहां सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं। ये कोई नदी नहीं, तेज बारिश से सड़क नदी में तब्दील हो गई है। तस्वीरें राजस्थान की जोधपुर की हैं, जहां लगातार हो रही भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि जानवर भी बह रहे हैं। अब इस गाड़ी को देखिए, जो पानी में फंस गई और इसे क्रेन की मदद से निकाला जा रहा है। कल भी जोधपुर में ऐसी ही तस्वीरें आई थी, जहां बारिश के तेज बहाव में गाड़ियां बहती हुई दिख रही थी। जोधपुर राजस्थान का मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है और इस तरह की बारिश देखकर सैलानी भी परेशान हुए। और देखिए, भारी बारिश जो है वो उत्तराखंड में भी हो रही है और इसी वजह से केदारनाथ बद्रीनाथ के रास्ते लंबा जाम लगा हुआ है। तेज बारिश, तेज रफ्तार से पहाड़ों से आता पानी, कहीं पहाड़ धंसने से रास्ता हुआ बंद, कहीं पेड़ और खंभा गिरा तो कहीं लंबा जाम लगा, कहीं दीवार गिरी और कहीं पुल बह गया। ये सारी तस्वीरें उत्तराखंड की हैं। तेज बारिश के चलते बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर कई जगह मलबा और पत्थर आ गए हैं। पेड़ गिरने से कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से जाम लग गया है और यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। एक सप्ताह पहले तक केदारनाथ की यात्रा में हर दिन 1 से 1.5 हजार यात्री पहुंचते थे, वहीं अब 300 से 400 के बीच ही यात्री पहुंच रहे हैं। लगातार बारिश से मंदाकिनी अलकनंदा नदियां उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग में कुछ घरों के आसपास पहाड़ों से पानी के साथ बहकर पत्थर आ गए हैं। अगले 72 घंटों के लिए भी मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अगर आप केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना रहे हैं तो उसे फिलहाल टाल दें तो बेहतर है। इन इलाकों में हालात इतने खराब हैं कि अगर केदारनाथ के रास्ते की बात की जाए तो यहां तो पहाड़ से पानी सड़क पर आकर बह रहा है। दिखाते हैं आपको। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पानी का सैलाब उमड़ पड़ा है। यात्रा मार्ग पर जगह जगह पानी उफान पर है। ये देखिए कैसे तीर्थ यात्रियों को जान हथेली पर रखकर यात्रा करनी पड़ रही है। एसडीआरएफ और पुलिस के जवान सहारा देकर यात्रियों को निकाल रहे हैं। बारिश ने केदारनाथ के यात्रियों का संकट बढ़ा दिया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। गौरीकुंड से केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग के बीच कई जगह पर रास्ता बारिश के कारण खराब हो गया है। हम लोग हर प्रकार की जो अगर कोई इस तरह घटना होती है उसके लिए तैयार हैं। हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट अभी भी अपनी जगहों पर तैनात हैं और आज भी जो यात्री गए हैं उनको एसडीआरएफ के द्वारा और हमारे पीआरडी के जवानों द्वारा काफी मदद की गई है जगह जगह पर, क्योंकि काफी तेज बारिश रही है और फिसलने के भी बहुत सारे चांसेस थे। तो हमने एसडीआरएफ को सुबह से ही जगह जगह पे तैनात किया था और जितने भी यात्री आज गए हैं सबकी एसडीआरएफ ने हेल्प करके उनको केदारनाथ तक पहुंचाया है। तो उत्तराखंड राजस्थान से रिपोर्ट्स आपने देखी। गुजरात में भी बारिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है। आज फिर दोपहर से भारी बारिश गुजरात के कई इलाकों में। गुजरात में लगातार 24 घंटे से बारिश जारी और खास तौर पर अहमदाबाद में भी दोपहर के बाद जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसके कारण अहमदाबाद के कई इलाकों में पानी जल भराव हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद का ये पोस्ट इलाका है जो रिंग रोड कहलाता है, वहां पर खास तौर पर बीआरटीएस रूट पर पानी भरा हुआ है, तो साथ में पास का जो रास्ता है वहां पर भी पानी भरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर दोपहिया वाहन चालकों को भी दिक्कत आ रही है, आसपास के लोगों को दिक्कत आ रही है। जिस तरीके से बारिश लगातार चल रही है उनसे लग रहा है कि और ज्यादा पानी का जल भराव हो सकता है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लगातार कोशिश कर रहा है कि इस पानी का निकाल किस तरह किया जाए, लेकिन जिस तरीके से बारिश तेज गति से आगे बढ़ रही है आने वाले समय में और पानी भर सकता है। कैमरामैन युवराज लीला के साथ भौमिक व्यास, एबीपी न्यूज़ अहमदाबाद।
तो पानी पानी। पश्चिमी भारत ही नहीं, पूर्वी भारत भी। मणिपुर अब आपको लिए चलते हैं। यहां बारिश के बाद से नदियां उफान पर हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ पानी और पानी। ये कोई तालाब नहीं बल्कि बच्चों का खेलने का मैदान है जो बारिश के पानी में डूब गया। तस्वीरें मणिपुर की राजधानी इम्फाल की हैं। अब सड़कों का हाल देखिए, पानी घुटनों तक पहुंच गया है। कई जगह पानी इतना ज्यादा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सड़क पर नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। करीब 300 घरों में ऐसे ही पानी घुस गया। हालात काफी खराब है। इम्फाल के पूर्वी इलाके में ये बाशीखंग इलाका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई किलोमीटर तक इलाका पानी के नीचे चला गया है। करीब 300 घर यहाँ पे पानी से बह गया है और जो लोग वहाँ पे अंदर फंसे हुए थे वो धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।